मेरा लाडली पाव यहाँ से हो गया है, ये मेरा चूजा से हो जाए, और जूली मेरी वहाँ रेस्ट कर रही है, बिल्कुल आराम कर रही है। और कहाँ मेरा किचन, मैंने मतलब कि नाश्ता मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने और दीदी ने किया, मैंने पूरा किचन साफ किया, दाल मैंने बॉईल कर दी, चावल रख दिए मैंने पूरे, तो पूरी साफ सफाई हो गई है, देखो पूरा घर नीट एंड क्लीन। और ये रही मेरी प्यूटी पाई, कहाँ जा रही है देखो, ठंड लग रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, आप लोग कैसे हैं, आई होप आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। सुबह के 10 बज गए हैं, पूरे 10 बज गए हैं, काम सारा खत्म हो गया। आज मैंने सुबह 5:30 बजे कपड़े धोने डाल दिए, क्योंकि लाइट ना कई बार 6 बजे के बाद बंद हो थी। आज मैंने सुबह पहले कपड़े धो लिए, झाड़ू पोछा हो गया, दीदी आई थी तो काम पूरा खत्म कर दिया। तो अभी ये कि मम्मी उठी है, तो अभी मैं मम्मी को वॉशरूम लेके जा रही हूँ, नहलाना, उनके कपड़े चेंज करने हैं, बेडशीट धोनी है उनकी। तो आई आई आवाज़ें लगा रही है, आ रही हूँ मम्मी, आ रही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा एक क्लिप नहीं बनी थी, सुबह से ब्लॉग कॉम में लगी थी, और आज ना कपड़े प्रेस करने, मेरे काफ़ी कपड़े प्रेस करने वाले हैं, और मैंने आज करनी है अपनी अलमारी सेट करनी है, पूरे कपड़े डेली निकाल करने, ऐसे पूरी तहस नहस होगी बारी आज, उसको पूरा कपड़ों को प्रॉपर रखूंगी सही ढंग से। अब नंदन की, नंदन के पापा की, इनके कपड़े सेट होते हैं, लेकिन मैं अपने कपड़े ऐसे ही है। तो ये देखो बहादुर, इतनी धूप है, ये देखो मेरे कपड़े सारे सूख गए, ये देखो धूप, इतनी धूप है, बाहर तो निकला नहीं जा रहा, ये देखो। और आज ऊपर ना वो मिट्टी उठाने के लिए मजदूर लगे हुए हैं, और ऐश को, जूली को मैंने अंदर बंद किया हुआ, इनको मैंने बाहर नहीं निकाला, क्योंकि ये जूली कई बार काटती तो नहीं है, ऐसे एकदम से कोई डर जाता है। तो और ये दिखाती हूँ मेरे बच्चे, मेरा लाडली पाव यहाँ से हो गया है, ये मेरा चूजा से हो जाए, और जूली मेरी वहाँ रेस्ट कर रही है, बिल्कुल आराम कर रही है। और कहाँ मेरा किचन, मैंने मतलब कि नाश्ता मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने और दीदी ने किया, मैंने पूरा किचन साफ किया, दाल मैंने बॉईल कर दी, चावल रख दिए मैंने पूरे, तो पूरी साफ सफाई हो गई है, देखो पूरा घर नीट एंड क्लीन। और ये रही मेरी प्यूटी पाई, कहाँ जा रही है देखो, ठंड लग रही है, सीधी इस कमरे में जाएगी, फिर इस कमरे में, ये देखो पूरी गई, यहाँ जाके बैठ जाए, चलो ठंड लगती है ना तो इस रूम में आके बैठ जाती है, गर्मी लगती है। और ये रहा मेरा क्यूटी पाई, अरे ये क्या हो रहा है, ये कौन सी मस्ती है, ये कौन सी मस्ती कर रहा है, मस्ती नहीं लगी हुई है, हिचकी लगी हुई है, ये होगी इसकी माँ, कहाँ गई है आशु, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ, लाडी करा, लाडी लाडी करा, मस्ती करता, मस्ती मस्ती करता, किस की ऐसे है ना, आंखों के तो सारे दीवाने हैं इसके, इसको डांस करा दियो, तू बोल रहा कौन सा डांस करवा रहा था, कैसे छोड़ा हुआ है, देखो देखो इसको डांस कराना, वही वाला जो करवा रहा था, कैसे करा रहा था, खड़े इधर सोफे पे खड़ा कर, इसको अशु मार पड़ेगी, वो छोटा करता बेबी, वो छोटा था इसलिए छोड़ा था, और लेटर नहीं है अपने, तो ये नहीं करेगा बेटा, ये बड़ा हो गया, वो बेबी पसंद लेती गर्मी में, बालक है, दिखा दिखा जा, दिखा, ओ ए, क्या खा रहे हो, क्या दिए, क्या ऐश, ऐश दोनों के पूछ ले, जूली के पूछ ना, बेड के साथ बज रही है, बेड के साथ, इनको दे भी दिया खाने के लिए, फिर भी ऐश को ऊपर चढ़ा लो, ये करती है हेलो, ये करती है हेलो, और इसको बोलो, इसको बोलो हेलो करने के लिए, इसको भी बोलो, अरे चल पापा को हेलो कर, वो देखो
पूछ ला देख, टप टप बज रही। मेरे पे आ गई। ओदे ओदे इसको ना सिखाओ कुछ, इसको सिखाओ। ना सीखता बाबू पता ही, और क्या लाया, क्या आया? पाव भाजी आ गई आज, कुछ ना कुछ खाने के लिए। और मैंने नहीं सुता, बोलता बुजी क्या, बोलता बुजी क्या टाइम हुआ, मैं चार बज गए, चार बज गए, मैं सिर्फ एक घंटा सोया। मैं हो मैं सो जाऊ, मोहन महाराज जी सो जाओ, सो जाओ कुंभकर्ण नींद के पुजारी सो जाओ। अभी मैंने एसी बंद किया हुआ था, ये अभी लगाया है ना, धूप में हाँ थोड़ा ठंडा। देखो जी पाव भाजी आई है, नहीं उधर प्लेट में लेके, मैं इधर लाना, मैं प्लेट में उसमें छिलके तू लाऊं। गाई मैंने एक ना पार्सल मंगवाया, मैंने देखा था बर्तन साफ करने वाला स्क्रब नहीं होता, जो हम घर में दूसरे सेल्स वाल से लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ना लास्ट में थोड़ा टाइट हो जाता है, कि पहले शुरू शुरू में तो जब लो ना तो वो नरम होता बर्तन अच्छी तरह साफ, लेकिन ये कि उसको जब टाइट हो, जो बर्तन साफ करते हैं ना उसको जब बीच में से हम कस के ऐसे जोर लगाते हैं ना, बीच में से उसकी ना पॉलिश निकलती है। तो मैंने ना ये देखे थे और मैंने ये मंगवाए हैं, ये वाले, ये देखिए ये कितने पीस हैं, दो ये छः पीस हैं, छः पीस हैं, हाँ तीन और तीन छः, ये मैंने मंगवाए हैं बर्तन साफ करने वाले। लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसके थोड़ा सा इसके ऊपर सर्फ लगाना है, जो बर्तन साफ वाला साबुन है वो लगाना है इसके साफ। आप टैप टूटी साफ कीजिए, बर्तन साफ कीजिए, सेल्फ साफ कीजिए, गैस कुछ भी आप साफ कीजिए, इससे इतने अच्छे तरह साफ होते हैं ना। पहले नहीं बताया था, मैं कोई भी चीज़ देती हूँ ना, जैसे कुछ भी प्रोडक्ट मंगाती हूँ पहले मैं यूज़ करती हूँ, यूज़ करके जब उसका रिजल्ट अच्छा हो ना फिर मैंने पहले जो मंगवाए थे, मैंने दो मंगवाए थे, सिर्फ दो पीस मंगवाए थे, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मेरे को आया। तो अब मैंने छह पीस वाला ये मंगवाया, अब इनके ऊपर थोड़ा सा लगाना, ये बिल्कुल सॉफ्ट है और बर्तन अच्छी तरह से, कोई भी काला बर्तन कुछ भी हो आराम से अच्छी तरह से ये साफ हो जाता है। ये मैंने मंगवाए हैं छह पीस, ये देखिए ये वाले, ये डिश बार के मंगवाए मैंने, ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं, ये मेरे को छह पीस पड़े हैं 180 के, मैंने छह पीस मंगवाए हैं। लेकिन मैंने और ये है कि जैसे मेरा बाहर वॉश बेसिन लगा हुआ लॉबी में, तो उसके लिए मैंने अलग से रखा हुआ साफ करने, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसी को थोड़ा सा साबुन लगा के उसके तरह साफ कीजिए, क्योंकि जो ना टूटी का जो पानी थोड़ा सा ना, यहाँ पे टूटी लगी हुई ना वॉश बेसिन की, तो साइड से ना थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, क्या कि हमारे इधर पानी में ना यूरिया बहुत ज्यादा यूरिया, तो मुझे ना हर बार क्या करना पड़ता है, वो एसिड डालना पड़ता है तब जाके साफ होता है। लेकिन मैंने ना इससे वो साफ की वो जगह ना, यहाँ पे मार्बल लगा ना, मार्बल की वो जगह ना खुरदरी जगह हो गई थी, बिल्कुल सगर सी, जब मैंने इसके साथ साफ किया ना एकदम से क्लीन, बिल्कुल मुलायम साफ होगी। तो आप लोग भी मंगवाइए, यूज कीजिए, बड़ी अच्छी चीज है। तो मैंने ये मंगवाया छह पीस, जस्ट अभी अभी आया, छह पीस मंगवाया मैंने। और मैंने ना अपने तेल का ऑर्डर किया है, लेकिन अब मैंने अलग नंबर पे ऑर्डर किया है, अब अलग नंबर पे मैंने उस भैया से बात की, मैंने उनको बोला कि मैंने ना तेल मंगवाया था, मेरे पास चार पांच नंबर थे, मैंने अलग नंबर पे ना ऑर्डर किया, तो मैंने उनको बोला कि भैया तेल नहीं अब आ रहा, क्योंकि मेरा तेल थोड़ा अभी मैंने ना अभी लगाया तेल, तो मैं भैया मुझे तेल नहीं आ रहा, बोलता आप ना, मैंने अलग नंबर पर फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या किया कि जैसे मैं उनको एड्रेस भेजती हूँ, तो उन्होंने क्या किया है अपनी तरफ से पूरी लिस्ट बना के उन्होंने मुझे भेजी है, कि जैसे नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लैंड कहाँ पर रहते हो, गांव का नाम, पिन कोड नंबर, पूरी पूरी लंबी लिस्ट बना के उन्होंने बोला इसको आप भर के भेज दीजिए। और उन्होंने मुझे प्राइस बताया कि पहले जहाँ से मैंने तेल मंगवाया था वो 1300 का तेल दे रहे थे, लेकिन यहाँ से अब मैंने मंगवाया वो 1500 का है, और छोटी 800 की है, और एक 2500 की एक आ रही है, 2500 की एक आ रही, मैंने वो नहीं मंगाई, मैंने 1500 वाला तेल मंगवाया। अगर वो तेल आ गया मेरा, उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला भैया हमारा गांव वैसे वैसे, मैंने पूरा बताया जम्मू में आर्सपुरा, आज पूरी पूरी मैंने डिटेल में उनसे बात की है, मैंने बोला इस तरह से हमारे तेल आ रहा है कुल्लियों में, वहां यहाँ से 10-12 किलोमीटर है, तो मैं वहां जाके नहीं ले सकती। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत कीजिए, अभी जो हम लिस्ट आपको दे रहे हैं, जो फॉर्म भेज रहे हैं, आप इसको फिलअप करके हमें दीजिए और आपका तेल बाय डॉग घर में आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो अभी 1500 वाला वो ऑर्डर वो मैंने किया, क्योंकि जो जहाँ से 1300 का मैं मंगवा रही थी ना, जो मंगवाई थी चीज़ 1300 की, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो तेल यहाँ नहीं आ रहा। मैंने दो ऑर्डर किए, दोनों के दोनों मैंने
कैंसिल कर दिए। तो अभी मैंने अभिनंदन के पापा ने फॉर्म फिल करके उनको भेजा है। अगर वो तेल आ गया, घर के पास आ गया, तो फिर मैं आपको नंबर दूंगी, उस नंबर पे आप तेल मंगवाना। और वो प्राइस भी पूरा बताते हैं, कितने ml है, 500 ml है, 250 ml, कितना, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से मंगवा सकते हैं। तो मैंने मंगवाया और अभी ये पार्सल है, अभी ये स्क्रब आए हैं डिश वॉश साफ करने वाले। इससे डिश वॉश साफ होती है, बर्तन काले, कुकर, यहाँ तक कि टैप, जो आप गैस साफ करते हो, गैस आपकी जो मार्बल की सलफ है उसको आसानी से साफ करते हो। लेकिन ये है कि अब मैंने 6 पीस क्यों मंगवाया है, क्योंकि मैं जो वॉश बेसिन साफ करती हूँ उनके लिए मैंने अलग से रखे हुए हैं। जिनके साथ मैंने बर्तन साफ करे उनके साथ मैंने वॉश बेसिन ही साफ करे, इसलिए मैंने 6 पीस मंगवाया है, ताकि मैं वॉश बेसिन के लिए अलग से रखूंगी, बर्तन साफ करने के लिए मैंने अलग रखना है। तो ये जो वॉश बेसिन का जो मैं अलग रखती हूँ, मैं उसके साथ ही साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अपने घर में वैसे भी थोड़ा नीट एंड क्लीन करके, क्योंकि जो बर्तन वाली सिंक है उस पर हम बर्तन साफ करते हैं, लेकिन जो हमारा वॉश बेसिन है वहाँ पे आप ब्रश करते हो, सब कुछ मुंह धोते हो, वहाँ पे कुल्ली भी करते हो, इसलिए उनका अलग से साफ करने का होना चाहिए। तो मैंने पहले 2 मंगवाए थे तो वो तो बड़े अच्छे निकले, तो अभी मैंने ये 6 पीस ऑर्डर किए हैं, तो आप लोग भी कीजिए। और बिल्कुल मुलायम है, मेरे पास जो मैंने पहले लिया ना, जो मैं सेल वाले से लेती हूँ, वो लास्ट में जब लो ना नर्वस, जब लास्ट में वो टाइट हो जाता था, तो कई बार हाथ को लगता था, और जैसे ही बर्तन कढ़ाई को साफ करना ना, वो नीचे से काले काला कलर निकलता है। तो मैंने ये देखा, मेरे को अच्छा लगा, तो अभी मैंने ये मंगवाए हैं 6 पीस मैंने मंगवाए हैं, तो आप लोग भी ऑर्डर करना। ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं, मैं ज़्यादातर शॉपिंग मीशो से ही करती हूँ। तो अंदर का पापा बोलते हैं, पता नहीं तू क्या क्या मंगवाती रहती है, अगर अंदर का पापा करते हो तो फिर वो कर देती है पेमेंट, नहीं हो तो फिर मुझे करनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, उनके ही पैसे हैं सब, मैं कौन सा कमा रही हूँ, उन्हीं के पैसे से कर रही हूँ। तो अभी शाम हो गई है, और आज मैं बनानी है मैंने अरबी की सब्जी। अब मैं सब्जी काटने लगी अरबी की, और हमारे छत पे जो मिट्टी थी वो भैया लोगों ने पूरी की पूरी उठा दी है। तो अब हम छत को ना लाइट बंद है, लाइट आएगी तो बोल रहे हैं अंदर पापा पहले धोना अच्छी तरह, धो के पूरी मिट्टी साफ करी, उसके बाद जो गली में मिट्टी पड़ी है ना, इतनी गंदी गली होगी ना, पूरे पाँव मिट्टी वाले अंदर आ रहे हैं, बाद में वो धोनी है, अभी पहले मैं सब्जी काट लूँ। ये देखो इधर फोन चल रहा है, इधर फोन चल रहा है, इधर भी फोन चल रहा था, फोन चल रहा था है? और ये मेरे बच्चे सो गए हैं। मैंने अभी ना नन्नू को बोला कि ना मेरी, मुझे एक गाना पसंद आया, मेरी ने आज के साथ रील बनाना है, और इसने क्या किया, फिल्टर लगाया, और देखो फिल्टर भी कैसा लगाया है? और क्या, मैं सीधे साधे बंदे, तो सिंपल बना हमारी वीडियो मेरी आज के साथ, मुझे इतना अच्छा गाना लगा। वो क्या कर रहा है, छोड़ो, क्या छोड़ो, क्यों टॉफी है, बबलगम है? नहीं सोया, अभी ये नहाया शाम को ऊपर छत पे, पानी फेंक के छत धोया, पूरा पूरी मट्टी तरह साफ की है, और ये पूरा मट्टी मट्टी हो गया था, अभी इसको नहलाया, साफ सुफ किया। ये बच्चे हम क्या फिर है, हम क्या है? आप निकम्मे हो, सिर्फ यही बच्चे हैं। आपको कोई काम बोलो ना, कोई सिंपल काम करो, आप ऐसे करते जैसे कोई प्रोफेशनल, और काम भी ढंग का नहीं, और मेरी अभी वीडियो चढ़ गई, मैं एडिट नहीं कर सकती। सो आप ऐसे भी नीचे सोने के लायक हो, सो नीचे। और गाइज, वैसे कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, क्या है, नीतू भगत 0026 है ना, ये मेरी इंस्टाग्राम नीतू भगत 0026 ये मेरी आईडी है। तो प्लीज आप लोग इंस्टाग्राम से पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी ज्यादा जूली और ऐश इनकी ज्यादा मैंने रील वगैरह बनाती हूँ, मतलब ऐसी दूसरी रील, मैं सिंपल ऐसे गाने की रील बनाती हूँ। अभी मैंने नन्नू को बोला है कि रील बनाने के लिए गाना मुझे अच्छा लगा, मैं ऐश के साथ बनाना, इसने फिल्टर ही ब्लैक लगाया, मैं कहा ठीक है मेरा रंग भी ब्लैक, फिल्टर भी ब्लैक कर दिया तूने, क्या आजकल के बच्चों को क्या कुछ पढ़े लिखे बंदे, पढ़े लिखे बंदे, सही बात है, और सीधे बंदे हम देसी बंदे हैं, तो सिंपल बिना फिल्टर के, ये लोग ब्लॉग बनाते हैं फिल्टर, मैं फिल्टर भी नहीं लगाती, मैं सिंपल बनाती हूँ, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल है, याद रखी, क्या याद रखी। और इनको पड़ गई हैं छुट्टियाँ, दोनों को छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो टाइम टेबल और क्या, इनका टाइम टेबल कल सैटरडे है, परसों संडे, 2 दिन के रिलैक्स है, मंडे से पूरा स्ट्रिक्टली इनका टाइम टेबल बनेगा, किस टाइम पे इनको पढ़ना है और किस टाइम पे इनको खेलना है, याद करना है, पूरा टाइम टेबल बनेगा इन लोगों का।
तो गाइज अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। कल नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।